हे गाइज आई एम जानवी एंड आई गो लाइव फॉर द पास टेन मिनट्स बट देर टेक्निकल एर आई होप यू ऑल आर देयर सो लॉर्ड ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी क्वेश्चन इन माई डी एम अबाउट जेवियर्स सो आई नो इट बिकम्स वेरी यू नो यू मस्ट बी एंक्शियस कि कैसे एडमिशन लेना है ऑनेस्टली द एडमिशन प्रोसेस स्पेषली आफ्टर टेंटर्ड इज अ पेन तो उसके लिए बहुत um, कन्फ्यूजन होता है आई रिमेंबर माई प्रोसे माई होल एंटायर प्रोसेस राइट फ्रॉम फिलिंग द मुंबई यूनिवर्सिटी का वो जो ई सुविधा क्योंकि हमारे साल आई थिंक आर ईयर वॉज द सेकेंड ईयर जिसमें ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ था सो इट इज ऑल वेरी ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग सो आई आई नोल ऑफ यू आर वेरी एंशियस अबाउट हाउ विल यू बी एबल टू डू इट एंड कैसे क्या होगा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स सो आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चन यू कैन आस्क वॉट एवर यू लाइक

ओवरलैप um, हो रहे थे और बहुत सारे लोगों का लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग द सेम सेम क्वेश्चन सो आई थिंक आंसरिंग गेम टूगेदर एंड कुछ लोगों को एक नहीं सौ क्वेश्चन होते तो सौ लोगों के सौ क्वेश्चन को जान को एक साथ अगर हम डिस्कस करेंगे इट बी मच मच बेटर नो आई डिंट आई जस्ट चेंज द फोन बिकॉज माई फोन वॉज नॉट वर्किंग सो आई आई हैव बीन रेडी लाइक दिस ओनली बट I tried in my other phone first, but it didn't work. Um, so I am trying with my mom's phone now. Um, okay, hi. Uh, the, I think this person from Vadala was the one who wanted to. Unko SSC ke baad admission tha, Most probably. So ask. You need to like specifically ask me what exactly is your doubt about um, being. You know. Okay. यू हैव गिवन योर बोर्ड एग्जाम वॉट इज वट इज एग्जैक्टली योर डाउट क्योंकि आई थिंक मैंने फिफ्टी मिनट वाला वीडियो बनाया है विच प्रिटी मच मुझे जितना नॉलेज है वो स्पेसिफाई करता है बट उसके अलावा इफ यू हैव स्पेसिफिक पर्सनल डाउट्स आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू आस्क हेलो रॉकर मितेश ओके श्रियांशी आई बिलीव योर फ्रॉम आई सी एस सी राइट

That they are very um, open to, you know, personal conversation. So, if they find out that, you know, maybe cut-off se aapka thoda percentage kam hai. But you are an extraordinary student. You can meet the principal um and speak to him and see if things work out right. And email maybe um or something like that. Ji, Mayur ji, song sunaungi. Pehle, okay. क्या ऊपर से जा रहा है ये जेवियर्स की बात कर रहे हैं हम एडमिशन लेने की सो so शायद इफ यू डोंट नो अबाउट दैट ठीक है हेलो मैम आई फ्रॉम गुजरात एंड इन ट्वेल्थ कॉमर्स एंड आई वांट एडमिशन बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कैन आई गेट इनटू इट विल इट बी इजी ऑनेस्टली उतना uh, ज्यादा मुश्किल नहीं है ट्वेल्थ नॉर्मली uh, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रीम चेंज करते हैं साइंस के बाद आर्ट्स कॉमर्स uh, के बाद आर्ट्स आई मीन ओनली थिंग आप आर्ट्स के बाद साइंस या कॉमर्स नहीं कर सकते पर साइंस या कॉमर्स के बाद आप जरूर आर्ट्स कर सकते हैं uh, क्योंकि इलेवेंथ ट्वेल्थ लेवल का आर्ट्स काफी बेसिक होता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं ट्राई पर आपके लिए कट ऑफ जैसे अगर मैंने मेरे टाइम पे जब देखा था तब ऐसा होता है कि कट uh, ऑफ जो होता है वो uh, जिन जिन्होंने स्ट्रीम चेंज की हो फॉर एग्जाम्पल जेवियर्स के स्टूडेंट के लिए तो उनके लिए जो नॉर्मल कट ऑफ होता है फॉर एग्जाम्पल एट्टी फाइव परसेंट नॉर्मल कट ऑफ है तो उससे वन परसेंट ज्यादा हो, होगा मे बी दूसरे स्ट्रीम का कट ऑफ और वो लोग हर हर कॉलेज अलग अलग तरह से देखते हैं uh, मुंबई में बहुत सारी कॉलेज है बी ए के लिए तो एवरी कॉलेज विल लुक एट इट वेरी डिफरेंटली बट अगर आपका प्रेफरेंस जिस हिसाब से आप डालते हो वो ऑनलाइन जो आता है आई uh, बिलीव तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम यू कैन डेफिनेटली डू इट हर कॉलेज के अलग नियम हैं तो um, मैं पूछूंगी किसी को आई डो नो समी जिन्होंने ऐसा साइंस स्ट्रीम से शिफ्ट किया था आर्ट्स में तो मैं उनको पूछ के आपको बताऊंगी uh, कि उन्होंने क्योंकि उन्होंने नेशनल uh, कॉलेज में पढ़ा था जेवियर्स में मुझे इतना पता है कि आप शिफ्ट uh, करते हो तो परसेंटेज का वो लोग वो लोग खुद से ही समझ के कुछ चेंज देख लेते हैं या अगर आप नॉर्मल प्रोसेस में जाओगे तो आपका प्रॉब्ली हो क्योंकि नॉर्मली सब आर्ट्स बच्चों के परसेंटेज के हिसाब से वो लोग कैलकुलेट करते हैं तो कॉमर्स से आर्ट्स में जाना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है इसलिए वो लोग परसेंटेज का कट ऑफ थोड़ा अलग रख सकते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आर्ट्स का कट ऑफ हाईएस्ट आर्ट्स का पूरे स्टेट में हाईएस्ट अगर महाराष्ट्र में नाइन्टी रहा है और कॉमर्स का नाइन्टी रहा है मतलब कि कॉमर्स में ओवरऑल मार्क्स ज्यादा है तो शायद कॉमर्स का कट ऑफ आर्ट्स में आने के लिए दो परसेंट ज्यादा हो सकता है वो लोग इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं ओके माय गॉड अ अ लॉट ऑफ पीपल हैव आई आई होप डोंट मेक ओके इंग्लिश ओके मैं हिंदी में ज्यादा बात करूंगी ठीक है एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर इलेवेंथ आर्ट्स नहीं एंट्रेंस एग्जाम्स सिर्फ बी एम ये जो प्राइवेट टाइप के कोर्स होते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम की चिंता नहीं करनी है अगर आपको बेसिकली देखिए आप आपको देखना है कि दो प्रकार के कोर्स होते हैं एक गवर्नमेंट एडेड होता है और एक प्राइवेट uh, जैसा होता है कि जिसमें आपका फीस ज्यादा होता है तो बीए है बीकॉम है बीएससी है ये महाराष्ट्र में ज्यादातर गवर्नमेंट एडेड होता है तो इन uh, कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस uh, एग्जाम्स नहीं होती है uh, डिग्री के लिए मतलब शुरू कर रहे हैं स्पेशली इलेवेंथ में जा रहे हो या आप एफ बी में जा रहे हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी है अगर आप बीएमएम जैसे कोर्स में जा रहे हो या बी जैसे कोर्स में तो आपको जरूर एंट्रेंस एग्जाम देनी है सो यू डोंट वरी अबाउट दैट ओके वेम आई एंड फैमिली आर सेफ फॉर्चुनेटली आई होप यू ऑल आर सेफ टू ओके um, बीएमएम okay, के फॉर्म्स कब निकल रहे हैं हाँ ऑनेस्टली आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे ही मिलेगी um, और वो जो फॉर्म्स निकलते हैं उसके बाद सबमिशन के लिए आपको अच्छा समय मिलेगा इनफैक्ट अभी आप थोड़े से uh, मुझे तो लगता है कि एटलीस्ट रिजल्ट के बाद ही सब फाइनलाइज होगा पर जेवियर्स का खुद का फॉर्म आप वेबसाइट पे ही चेक कर सकते हैं अभी टेंटेटिव इसलिए क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ फिक्स नहीं है तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगी

तो सीधा उनको ऑटोमेटिकली सीट मिल जाता है वेर एस बीएमएम में परसेंटेज बहुत जैसे मिठी बाई कॉलेज है मुंबई में तो मिठी बाई कॉलेज में वो आपका परसेंटेज देखते हैं सो बीएमएम इज उसमें जनरल कोटा में आपको ऑटोमेटिक सीट मिल गई वैसा नहीं होता क्योंकि उसमें लिमिटेड साठ ही सीट होती है तो और कॉलेज का वो ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई हमको तो एडमिशन देना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है ऐसा सिर्फ बी ए बी कॉम बीएससी कोर्सेज में होता है तो एज कम्पेयर टू बी इट्स गोइंग टू बी मच 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 इजियर आपको मेन एंट्रेंस पर फोकस करना है आपके परसेंटेज अच्छे हो तो क्योंकि ऑनेस्टली बी ए में आ, मेरे हिसाब से सिर्फ नौ दस सीट निकलती है जनरल में हर जैसे एच एस सी में दस निकली आईसीएससी में दस निकली उस प्रकार बी बी ए में बहुत कम निकलती है या ये प्रकार के कोर्स में बट आप जब बी एम एम देखेंगे तो वो तो सबका ओवरऑल परसेंटेज ही देखने वाला है सो एंड माइनॉरिटी जैसे uh, मिठी बाई है तो उसमें गुजराती माइनॉरिटी है यूपीजे में भी गुजराती माइनॉरिटी है जेवियर्स में कैथलिक माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी के वो लोग कुछ परसेंटेज कम गिन लेते हैं पर वो बहुत ज्यादा नहीं होता है एज क्योंकि बीए एम बी और ये सब में फिफ्टी परसेंट रिजर्व होता है गुजरातियों के लिए बट क्योंकि ये अम, एक प्राइवेट कोर्स जैसे मैंने कहा इट्स नॉट अ प्राइवेट कोर्स बट इट्स इट्स नॉट अ गवर्नमेंट एडेड कोर्स यानी गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए हैं कि भाई हर इंसान को एजुकेट करने के लिए कोर्स कंपलसरी है सो यू डोंट हैव टू वरी दैट मच अबाउट इट डिफिकल्टी लेकिन ऑनेस्टली इफ यू सी इन अ कॉलेज लाइक जेवियर्स तो मैं डिफिकल्टी लेवल नहीं कहूँगी पर हाँ जी के uh, अच्छा हो तो आपको बेनिफिट होगा और आप कितने क्रिएटिव हैं वो बहुत जरूरी है क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत काउंट करती है और क्रिएटिविटी um, जैसे आपने अगर टोनी का बी एम एम वाला वीडियो देखा होगा सो so उन्होंने क्वेश्चन पूछे से लाइक वाई और नेम एंड वाई वाई यू नेम्ड दैथ तो उसका नाम था टोनी तो so, उसने रिवर्स कर दिया वाई नॉट वाई एन ओ टी सो उस प्रकार के क्रिएटिव सो बिकॉज बी एम एम का कोर्स इज वेरी 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 क्रिएटिव सो जिन जिन कॉलेजेस में एंट्रेंसेज होती है दे यू मोर ऑफ क्रिएटिव दे यू ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन सो इफ यू इफ यू जेन्यूनली वॉन्टेड आई बिलीव उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है इट्स नॉट अबाउट हाउ स्मार्ट और इंटेलिजेंट यू आर बट हाउ हार्ड वर्किंग एंड हाउ पैशनेट यू आर आई थिंक दैट्स वॉट मैटर्स साइंस um, के लिए अगर जेवियर्स के लिए आप चाहते हैं तो ज़्यादा परसेंटेज की जरूरत नहीं है इनफैक्ट साइंस में मिलना आर्ट uh, से बहुत ज्यादा ईजी है तो जनरल uh, कोटा में काफ़ी काफ़ी कम है इनफैक्ट एटी नाइन्टी की जरूरत नहीं होती है मैंने सुना है लोगों को uh, काफी सिक्सटी फाइव सेवेंटी सेवेंटी फाइव में भी मिलता है uh, क्योंकि साइंस का कट ऑफ काफी कम रहता है uh, यू नो बिकॉज बट उसमें भी अगेन माइनॉरिटी आती है सो एवरी ईयर इट चेंजेस यू नो बिट विटी इफ इट इज सेवेंटी फाइव तो आपके लिए एटी फाइव भी हो सकता है मिठी बाई जैसे कॉलेजेस में ज़्यादा मुश्किल है साइंस में मिलना एज कम्पेयर टू आर्ट्स बट जेवियर्स में उल्टा है सो so, मिठी बाई में आ, आपको एटी सेवन एटी एट एटी नाइन जितना परसेंटेज मिले तो अच्छा है एटी फाइव प्लस इन जनरल साइंस के लिए अच्छा होता है ओके लेटमी सी मैं मुंबई से हूँ uh,

इनफैक्ट कैथलिक कोटा है तो लोगों को लगता है कि बहुत इजिली कैथलिक्स को भी मिल जाएगा बट इट्स नॉट लाइक दैट इवन फॉर कैथलिक्स टू गेट इन काफी यू नीड अ हाई परसेंटेज ऐसा नहीं है आपको सेवेंटी सेवेंटी फाइव आ गया तो आपको मिल जाएगा यू हैव टू है मिनिमम लेवल सो इट्स अबाउट योर हार्ड वर्क इन योर अगर आप टेंथ की बात कर रहे हैं या ट्वेल्थ की बात कर रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन दैट मेजरली एंड उसके अलावा भी थिंग इज आर इट टेक्स दैट मच अमाउंट ऑफ एफर्ट क्योंकि जेवियर्स कॉलेज में पढ़ना और किसी और कॉलेज में पढ़ने में बहुत डिफरेंस है एज टर्म एकेडेमिक्स के हिसाब से सो अनलेस एंड अनटेस एक्चुअली आर द वस जो सीरियसली स्टूडेंट्स होते हैं uh, तो उनको अगर मिल भी जाए एडमिशन हुआ मैं किसी को जानती थी जिनको मैनेजमेंट कोटा द्वारा एडमिशन मिल गया था काफी कम परसेंटेज से भी पर uh, वो लड़का पास ही नहीं कर पा रहा था एफ आई एस वाई सो

सो इट्स मोर आर्ट्स के लिए इट्स मोर साइंस के लिए उतना ज्यादा नहीं है ओके या पीपल डू से दैट बिकॉज इट्स ट्रू आई मीन मुझे भी इनफैक्ट मुझे लगा ही नहीं था कि आर बी ए बी टू बट ऑनेस्टली मैंने टेंथ आईसीएससी से किया था मैंने बहुत पढ़ाई की थी एंड सम रीजन और दिया था मैंने सब्जेक्ट्स ही वैसे चूज किए थे जो स्कोरिंग बिल्कुल नहीं थे टी डी आई वॉज अ स्टैंडर्ड टॉपर इन फ्रेंच बट फ्रेंच का हाइएस्ट कांट गो बियव राइट एंड टी डी में पीपल स्कोर हंड्रेड ऑल्सो सो मेरे स्कोर के हिसाब से आई वॉज आई वॉजर हार्ड वर्किंग ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माई स्टडीज बट टेंथ में मैं नहीं इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी क्योंकि मैंने उन प्रकार के सब्जेक्ट्स नहीं चूज किए थे तो मैंने ट्वेल्थ इलेवन ट्वेल्थ मिठी बाई में लिया था एंड uh, तभी मुझे इतना सीरियसली मुझे लगा भी नहीं था कि मैं एकेडमिक्स में जाऊंगी मुझे लग रहा था कि मैं म्यूजिक में जाऊंगी सो आई वाज नॉट आई आवसिंग हाँ में मिला तो अच्छा है बट टेंथ में के बाद तो मेरा टेंथ के वक्त ड्रीम नहीं था बट सुना था कि बहुत अच्छा कॉलेज है बट स्टिल आई हैड एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर ट्वेल्थ सो इफ यू आर इन टेंथ एंड इफ यू आर वर्ड कि अभी कोविड की वजह से मेरा बोर्ड एग्जाम पानी में चला गया मेरी मेहनत ये हो गई वो हो गई यू स्टिल हैव अ चांस टेंथ के बाद स्पेशली अगर आप आईसीएससी मेरा आईसीएससी था तो मैंने एच में शिफ्ट किया तो मैंने एचओसी में मुझे लगता है कि आईसीआईसी से थोड़ी कम मेहनत की थी बट स्टिल मेरे एचओसी के परसेंटेज काफी अच्छे थे एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर वर गुड ऑल्सो क्योंकि मैंने जो सब्जेक्ट्स चूज किए थे वो वो लॉजिक था सो आई कुड स्कोर नाइनटी एट इन लॉजिक विच वॉज नॉट पॉसिबल इफ आई आईड पिक अदर सब्जेक्ट सो उस हिसाब से देन आई गॉट इन आफ्टर ट्वेल्थ सो अगर आपका टेंथ के बाद नहीं हो रहा है यू हैव टू स्टे काम You still have an opportunity. It's not impossible. Uh, if it's really your dream, write it in your diary and you will make it. जब मैंने Xavier's का dream लिखा था तब मैं literally average, below average student स्टूडेंट थी class में और मैंने ड्रीम बुक में लिखा था इफ आई ग्रेजुएट इट विल ओनली बी फ्रॉम जेवियर्स और इल्स आई विल नॉट ग्रेजुएट एट ऑल ऐसा लिखा था और लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया इफ आई गेट इन क्योंकि मुझे पता था मुझे नहीं मिलेगा बट बिकॉज इट वॉज अ ड्रीम एंड मैं भूल भी गई थी कि मैंने ऐसी कोई ड्रीम डायरी बनाई थी जब मैं छोटी थी and it happened so you don't have to worry about that how is the faculty of psychology at undergraduate level okay so undergraduate level key faculty has changed um, recently uh, maybe last to last year they changed so um, i haven't experienced it personally but the fact that they will not choose anybody in fact the person who was there before that

um i'm sorry i was answering about 11th grade. sorry the undergraduate level faculty is ba's faculty i'm so sorry i got confused uh ba faculty has been the same for years um we have professor ruby pavri who's the hod linda ma'am is the uh, associate professor and brother dean now father dean excellent the faculty is fabulous um they they will be a little too hard sometimes for you especially uh, the hod uh, she will make sure that I mean I lost 10 kgs. You can imagine, but the passion with which they teach, you know, they dedicate their life only to teaching and only to psychology, only to the college. So I don't think you will find a faculty like that um, anywhere, because you know these these are the teachers who've lived for Xavier's. They've they are coming to Xavier's not to just get a job or be like that. They are coming here because they are truly associated with it. एंड जो एक्टिविटीज वो करवाते हैं द काइंड ऑफ वर्क दे डू इज फैब्युलस आई मीन इट्स जस्ट आई गेट घूसबंस वेन आई वन थिंक अबाउट इट सोशियोलॉजी फैकल्टी इज अमेजिंग वो फैकल्टी तो इतनी अच्छी है कि मेरा साइकोलॉजी का इतना लंबा प्यार जो था एथ स्टैंडर्ड से वो छोड़ के भी मैं सोशोलॉजी लेने का सोच रही थी एट वन पॉइंट सो ऑल ऑफ दीज फैकल्टीज आर अमेजिंग एंश इंडियन कल्चर साइकोलॉजी आई बिलीव द फैकल्टी इज Probably the best you can get in this country so uh, there's there's there are no words they are fabulous without a doubt um, I'm trying to somebody is saying please speak in English I'm trying to uh, switch between the two because some people can't understand English so I will try and switch between both taki or miljai other states waalo, को अगर एडमिशन लेना है जेवियर्स में तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यस yes, आपको करना पड़ेगा आप uh, कहीं से भी एज फार एज आई नो मेरे और लास्ट ईयर तक का ये रूल था ये साल अगर चेंज होता है कोविड की वजह से या कुछ है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक यू हैव टू मेक अ रजिस्ट्रेशन यू नीड टू रजिस्टर इवन इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड यानी इफ फॉर एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश और युअर फ्रॉम तमिलनाडु एंड यू वॉन्ट टू गेट इन टू दिस कॉलेज सो ऑनलाइन एक प्रोसीजर होता है बेसिकली यू हैव टू फिल यर एवरीथिंग एवरीथिंग एंड योर डेट्स नेम ऑल योर मार्क्स एंड टोटल मार्क्स एंड मार्क्सट्स एंड योर प्रेफरेंसेज एंड देन यू हैव टू प्रोबेबली गिव अ लिस्ट ऑफ टेन कॉलेजेस इन दर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड वो दस कॉलेज को आपको एक के बाद एक लिखना होता है ऑनलाइन फॉर्म में मुंबई यूनिवर्सिटी के जिससे आपको मतलब बेसिकली वो मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म विल गिव यू एन ई सुविधा टिकट और इसका एक यू गेट अ पर्टिकुलर आईडी ऑन दैट विच यू नीड टू पुट इन योर जेवियर्स फॉर्म बिकॉज फाइनली अफिलियटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी सो यू हैव टू डेफिनेटली फिल दैट फॉर्म ऑल्सो यू विल है यू कैन फाइंड आउट हाउ एन आप इफ यू फ्रॉम आउटसाइड तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और वो सब जो भी होगा डिटेल्स दैट यू कैन सबमिट एंड गेट योर वर्क डन मुंबई यूनिवर्सिटी पेज पर डेट्स लैप शो हो रहा है uh, um, आप चिंता ना करें सबका एक साथ में ही होगा और जब जैसे ही खुलेगा आई बिलीव न्यूज पेपर्स में भी आ जाएगा तो जैसे ही डेट्स इनफैक्ट uh, ये सब एडमिशन प्रोसीजर आपके रिजल्ट्स आने के भी काफी टाइम बाद शुरू होगा तो आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आ, वो लोग डेट्स डिक्लेयर करेंगे तो अभी तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं है अभी जब तक रिजल्ट्स ना आ जाए इनफैक्ट आईसीएससी वालों की तो एग्जाम्स ही नहीं हुई है तो रिजल्ट आने तो बहुत दूर की बात है तो एक बार वो हो जाए उसके बाद ही डेट्स आपको दिखेगी आम, ओके आर्यन देसाई आपको कुछ कहना है आप बीएमएम uh, के बारे में यूपीजी के बारे में आप जुड़ सकते हैं आपको ये एनीवेज इज दिस पेपर पैटर्न ऑफ इज द पेपर पैटर्न ऑफ दिस ऑफ दिस ईयर सेम एज यू टोल्ड इन योर बी एम एम विडियो सी नाउ इट चेंजेस एवरी सिंगल ईयर राउंड अबाउट सेम ही रहेगा इट विल नॉट चेंज ड्रास्टिकली ऐसा नहीं होगा कि वो जो बोला है उसके टोटली कुछ विरोधी आ जाएगा बट दिस इंस अगेन इट्स कोविड सो वी डोट नो दे माइट रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ द लाइक द अमाउंट यू नीड फॉर योर दे फर्स्ट है एग्जाम्स आर कैंसल्ड और समथिंग एंड दे माइट वॉन्ट टू चेंज द वेटेज वो कुछ हो सकता है बट क्वेश्चन और वो सब राउंड अबाउट काफी सिमिलर रहेगा ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा बट आई थिंक आई बिलीव दैट वीडियो इज गुड इनफ फॉर यू टू वर्क ओके ओके आर्यन वॉट इज इट कॉल देन प्लीज लेट मी नो आई यू टीचिंग समवेयर ओके वन शिका इज आस्किंग हाउ इज अ फैकल्टी फॉर साइकोलॉजी आई एज आई जस्ट सेट इट्स अमेजिंग इट्स फेब्यूलस आई हैव नो वर्ड्स फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी फॉर जीवियर्स इज यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस अ वेरी काफी कभी कभी यू जस्ट गेट टायर्ड कितना काम करवाते हैं बट um, जो हम मेरे जिस साल मैं आई थी उसके एक साल पहले जो टीचर रिटायर हुई थी शी वॉज सो स्ट्रिक्ट वो वन मार्क असाइनमेंट करवाती थी एंड उसमें सिक्सटी पेजेस लिखने होते थे so 60 pages for one marks and for 20 marks she used to make like so 20 such assignments she would make you do and basis she would select you for your ty psychology because ty limited seats however um, that teacher retired so we fortunately didn't have to do that but still your marks your overall perse, uh, overall cgpa gpa throughout the year will matter but the faculty is just fabulous there, you you don't have to worry about that योर लाइफ गॉड ब्लेस्ड वेन यू जॉइन मिठी बाई आर स्टिल कॉमेंटिंग ऑन माई जेवियर्स आई वॉज ब्लेस्ड्स हाँ आरियन व नेम नाउ मिठी बाई कॉलेज इज इन जू निले पार्ले बर्टिया जू एरिया के पास में मुंबई में ही है ओके मुंबई यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हाँ करना है ओके मैं आई थिंक काफी ऊपर हूँ क्वेश्चन में सो यूल हैव टू कीप सम पेशेंस इफ आई डोंट आंसर योर क्वेश्चन टू क्विकली वॉट शुड बी द टॉप फाइव कॉलेजेस फॉर बी एम एम इन मुंबई यस आई थिंक आर्यन इज गिविंग अ गुड आंसर आर्यन हैज डन इज बी एम एम आर्यन वुड यू लाइक टू जॉइन द वीडियो प्लीज लेट मी नो टॉप फाइव कॉलेज लाइक हिस आई बिलीव जेवियर्स मिठी बाई यू पी जी ये प्रकार की कॉलेजेस हैं दे आर क्वाइट 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 गुड जय हिंद है एच आर है गुड कॉलेज अगेन साइकोलॉजी में पी करने में कितना टाइम लग जाता है फुल टाइम करे तो पांच और फुल टाइम ना करे पार्ट टाइम करे तो पाँच से बहुत ज्यादा लग जाता है या नेशनल ऑल्सो आर्यन सेट इज अ गुड कॉलेज फॉर बी एम एम मैम प्लीज टेल मी इफ देर इज एनी चांस आइज कॉर्न योर सेवेंटी फाइव परसेंट इन बी एम एम देखिए बी एम एम इज नॉट ओनली ऑन योर परसेंटेज तो आप अगर सेवेंटी फाइव स्कोर करते हैं आई हैव अ फ्रेंड जिसने फिफ्टी एट भी स्कोर किया था और उसको फिर भी बी एम एम में मिल गया है क्योंकि उसने एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू और ये सब बहुत अच्छा कर लिया था सो so, इट ऐसा नहीं है फोर्टी परसेंट इज योर उस टाइम पे ऐसा था फोर्टी परसेंट आपका एच एस सी मार्क्स रहता था उसके बाद बी एम एम रहता था तो अगर वो फोर्टी परसेंट में आपको फोर्टी में से मान लो सेवेंटी फाइव मतलब आपको अराउंड थर्टी मिल गया 40 में से लेकिन अगर आपने आपनेट में आपने फॉर एग्जांपल फिफ्टी फिफ्टी फाइव ले लिया तो यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस आपने अगर वो सिक्सटी परसेंट एंट्रेंस एग्जाम में इंटरव्यू राउंड में अच्छा कर लिया तो मिल सकता है ऐसा जरूरी नहीं है कि सेवेंटी में नहीं मिलेगा बट आप बेटर स्कोर करेंगे तो आपका वो जो फोर्टी परसेंट होता है ट्वेल्थ के मार्क्स पे वो उसमें आप हाई स्कोर करते हैं दैट्स ऑल Okay, <laughs> hit the hard button here, the chat to help ma'am, thank you. How is hostel life? Um, I have not lived hostel life particularly, but I've had a lot of friends who've lived hostel life. Uh, so it's unique, it's different. Uh, sometimes you feel homesick, you really feel homesick. But uh, there are, I think every moment, every part, if you live it fully... स्पेशली अगर आप जेवियर्स जैसी कॉलेज में अप्लाइंग तो आप वो साइड की हॉस्टल में रहेंगे प्रोबेबली चर्नी रोड साइड और मरीन लाइन आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ बॉम्बे सो टू गो आउट टू सी प्लेसेज टू सी बॉम्बे एंड बॉम्बे इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन दिस वर्ल्ड सो यू नो यू डोट हैव दोस्ट्रिक्शन की मैं छह बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती यू नो यू कैन गो आउट यू कैन सी प्लेस बट यू हैव टू बी केयरफुल ऑल्स बिकॉज पीपल लॉट ऑफ पीपल डू गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी ऑफन जेवियर्स मैसे टॉपर्स आते हैं पर जैसे कॉलेज में आते फर्स्ट ईयर तक फर्स्ट सेमेस्टर तक टॉपर रहते हैं और फिर बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करने लगती है बट आई थिंक इट्स इट हैज इट्स ओन ब्यूटी एबल टू एक्सप्लोर योर सिटी विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक न्यू फ्रेंड्स बी मोर इंडिपेंडेंट बी मोर रिस्पॉन्सिबल आई थिंक दैट्स दैट्स वॉट मेक्स इट ब्यूटिफुल और ऑनेस्टली अगर आप कोई बाहर से बाहर के सिटी से हैं तो एक चीज जो मुश्किल रहेगी हॉस्टल लाइफ में स्पेशली मुंबई इज स्पेस क्योंकि मुंबई के बाहर कहीं पर भी आप जाते हैं तो छोटे से छोटे घर में भी काफी स्पेस होती है मुंबई में बड़े से बड़े घर में भी काफी कम स्पेस होती है सो मे बी यू माइट हैजस्ट है स्मॉल रूम और समथिंग लाइक दैट सो दैट इज द्ली वन थिंग विच इज नो डिस यू माइट फेस एंड या अदरवाइज आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटिफुल बी एम एम फैकल्टी इज ऑल्सो फेब्यूलस यू नो इन फैक्ट दे कॉल अ लॉट ऑफ गुड पीपल बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते हैं आप देखेंगे फेमस यूट्यूबर्स है कोई कविता लेखक है बिकॉज जेवियर्स के एलमना आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल सो लॉट ऑफ टाइम्स दे कॉल इंटरेस्टिंग पीपल द पर्सन हू टीचिज आई बिलीव हू टीचि साइकोलॉजी एंड लॉ एंड ऑल ऑफ दैट Uh, काफी अच्छे हैं उन, उनके बारे में भी मैंने बहुत सुना है आई बिलीव पेरी मैम इज द एच ओडी शी इज फैबुलस शी इज वेरी वेल रेड वेरी वेरी गुड विथ हर वर्क एंड ऑनस्टली बी एम एम लेकिन काफी चिल आउट होता है एज कम्पेयर टू बी ए इन जीवियर्स बी ए वाले बच्चे पूरे ऐसे ऐसे होते हैं और बी एम एम काफी पढ़ बुक्स के अंदर ही होते हैं पूरा टाइम दे आर ऑलवेज स्टडिंग 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 इफ दे वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी स्पेशली बट बी एम एम काफी चिल्ड आउट और अच्छा सब्जेक्ट इट्स इट्स अ फन यू विल इन्जॉय कॉलेज इफ यर डूइंग बी एम एम इजियर्स ओके लमी सी हेलो हेलो शीर्षक हेलो ईशान जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के फॉर्म कब निकल रहे हैं आई बिलीव आफ्टर योर रिजल्ट प्लीज टेल मी टॉप कॉलेजेस फॉर बी एम एम इन मुंबई यस आई थिंक आर्यन ने कहा मिठी बाई यूपी जी जेवियर्स नेशनल जय हिंद एच आर काफ़ी अच्छी कॉलेज हैं नेक्स्ट ओके हाय ओके आई वॉन्ट टू नो इफ योर नेम इज़ विरल और लाइक बिकॉज बाकी सब इंग्लिश में है आई एम लिमिटेड एडिशन सो इज़ इट विरल और इज इट वायरल ओके प्रकाश जी हाय थैंक्स ओके um, okay, रितेश शर्मा इलेवन के क्या सब्जेक्ट्स है इलेवेंथ में लॉजिक um, नहीं है जेबीएस में आई बिलीव साइकोलॉजी हिस्ट्री हिंदी है फ्रेंच है हिंदी um, फ्रेंच में मोस्टली uh, काफी टाइम ऑप्शंस भी होते हैं और इंग्लिश इंग्लिश uh, और एक 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 लैंग्वेज तो कंपलसरी होती ही है सो so, वो दोनों तो रहेगी इंग्लिश तो सबको कंपलसरी होता है हिस्ट्री भी होता है लॉजिक सॉरी लॉजिक नहीं फ्रेंच हिंदी um, है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी आई बिलीव दिज आई नॉट डन एनी बडी वॉचिंग ट्थ प्लीज टेल मी मोर अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स लेकिन इतने तो डेफिनेटली है पॉलिटिकल साइंस भी आई बिलीव है ओके um, okay, के लिए एंड दिस इज अबाउट आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है श्रिया सीट्स फॉर बी ए आई बिलीव वन ट्वेंटी की एक क्लास होती है एंड आई थिंक चार डिविजन होते हैं सो uh, so, जितनी आई बिलीव हाँ वन ट्वेंटी इंटू फोर सो आई बिलीव फोर एटी लेकिन आस पास कुछ मे बी फाइव हंड्रेड जितना अप्रॉक्स हो फॉर बी ए फॉर बी एम एम सिक्सटी होती है आई एम गुड अफान थैंक यू मान्या यूनिवर्सिटी ऑफ ओके वेल हाउ मेनी सीट्स आर देर फॉर आर्ट्स इलेवन जनरल कोटा इलेवंथ आर्ट्स जनरल कोटा फिफ्टी एक्चुअली फिफ्टी से कम परसेंट सीट्स होती हैं सो टोटल सीट्स एक्जैक्टली कितनी होती है मैं श्योर नहीं हूँ आई बिलीव अगेन वन ट्वेंटी की क्लासेस होती हैं और ज़्यादा डिविजन्स होते हैं सो ज़्यादा सीट्स होंगी जनरल इलेवेंथ टे बिलीव एट लीस्ट थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड या सिक्स हंड्रेड तक भी हो सकती है आई विल हैव टू चेक ऑन द वेबसाइट फॉर दैट ओके इलेवन में कौन कौन से सब्जेक्ट है मैंने बोल दिया हॉस्टल इज देयर फॉर गर्ल्स नॉट इन कॉलेज आपको कॉलेज uh, में सिर्फ बॉयज हॉस्टल है अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो ये साल uh, और कुछ एक सालों से लोगों ने बहुत कोशिश की इनफैक्ट वन फिफ्टी जब जेवियर्स सेलिब्रेट कर रहा था बिचेज टू थाउजेंड में और uh, ट्वेंटी तक ये साल जून तक करने वाले थे पर uh, तब उन्होंने बात की थी कि दे वांट टू स्टार्ट अ गर्ल्स हॉस्टल सो अगर वो इस साल से इम्प्लीमेंट हो रहा है देन यू माइट बी लकी इफ नॉट शायद वो लोग कोशिश कर रहे हैं हॉस्टल शुरू करने की लेकिन अगर आप लड़के भी हैं और आपको हॉस्टल चाहिए जेवीएस कॉलेज में तो उसमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती है वो लोग मार्क्स के बेसिस पे हॉस्टल में एडमिशन देते हैं और फर्स्ट uh, ईयर और थर्ड ईयर को ही देते हैं सेकेंड ईयर को नहीं देते हैं सो वन ईयर के लिए आपको कॉलेज से बाहर ही रहना पड़ेगा नंद क्योंकि दिस इज अ मेजर टू अवॉइड रैगिंग थ्री स्टेजेस ऑफ बी एम बीएमएम एग्जाम सो आई बिलीव फर्स्ट इज योअर थ्री स्टेजेस नहीं है uh, मैंने जो बी एम एम पर वीडियो किया है उसमें मैंने टॉपर से पॉइंट लेके लिखा था सो आई थिंक दैट इज अ वेरी अप्रोप्रिएट वीडियो टू सी बट बेसिकली फर्स्ट इज जस्ट यू गिव योर सबमिशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म देना है सेकेंड में आप एक रिटर्न एग्जाम देते हैं और थर्ड में इंटरव्यू होता है दैट्स ऑल

और um, जो एक छोटा सा वहाँ पर वो जो लैब में जो चीजें पड़ी है इट्स वेरी फैसिनेटिंग वहाँ का न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बहुत बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है बट इट्स इट्स गुड इन मेनी अदर कॉलेजेस टू सो ऐसा नहीं कि इट्स नोन फॉर साइंस इट्स नोन मोर फॉर आर्ट्स बट द ओवरऑल एक्सपीरियंस इन जेवियर्स कॉलेज वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट इज वॉट मैटर्स तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है जिसमें फर्स्ट ईयर में जैसे सोशल इन्वॉलमेंट प्रोग्राम होता है जिस हिसाब से आपको अलग अलग प्रकार का मल्हार फेस्टिवल है या दूसरे टाइप के चीज़ों में पार्ट लेने मिलता है वो सब एक बहुत बड़ा एडवांटेज है प्लेसमेंट्स जो होते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे अगर आपने बी टोनी का वीडियो देखा होगा बी और बी के लिए तो ही यू गॉट प्लेस्ड इन ज़ोमैटो सो ये एडवांटेज ज़ेवियर्स uh, में मिलता है क्योंकि ज़ेवियर्स का रेपुटेशन ही इतना अच्छा है अ uh, कि वो आपको काफी काफी कुछ um, आपको मिलता है उसके वजह से सो यू गेट प्लेस्ड एंड वो कंपनी को एक मिनिमम लेवल का भरोसा हो जाता oh, right? um, okay. है कि वो दिस इज अ ज़ेवियर राइट ओके तुषार इज आस्किंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी है कैंपस में आई बिलीव मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर कैंपस बहुत 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 रेयरली देखने मिलता है एंड जेवियर्स इज वन ऑफ द फ्यू कॉलेज जहाँ पर कैंपस है सो द कैंपस इज़ गुड आई बिलीव स्पोर्ट्स इज एक्सलेंट वहाँ पर ट्रेनिंग होती है बास्केटबॉल फुटबॉल और um, अलग अलग प्रकार की गेम्स जिम खाना है एक बहुत अच्छा इनफैक्ट लॉट ऑफ फेमस पीपल इंक्लूडिंग पुलिस मैन जो बहुत सारे शहीद हुए थे पीपल हु बीन ए सी पी आई पी एस ऑफिसर्स आई एस ऑफिसर्स हाइएस्ट लेवल के जो पुलिस ऑफिसर्स रहे हैं यार जो भी है वो लोग भी यहाँ पर आते थे एंड टू प्ले इन द जिम खाना वो लोग ज़्यादा जिम खाना में ही रहते थे चेस है या इन प्रकार की और इवन आउटडोर स्पोर्ट्स है तो उसमें काफी अच्छा होता है इनफैक्ट आर्चरी के लिए बिकॉज आई एम एन आर्चर आई न्यू अ गर्ल तो कॉलेज बहुत सपोर्ट करती है इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड काफ़ी अचीव दे हैवे गुड कोच गुड फैसिलिटीज ऑन कैंपस टू जीवीएस बहुत कम कॉलेज में से है जिनके पास खुद की जगह है uh, खुद का एक एटलीस्ट छोटा सा तो छोटा सा लेकिन ग्राउंड है मोस्ट कॉलेज डोंट यून हैव दैट द कैम्पस इज़ ब्यूटिफुल आपने काफ़ी मूवीज में देखा होगा सो so, उतनी जगह तो आपके पास है ही सो स्पोर्ट्स इज एक्सलेंट नो डाउट कल्चरल फेस्ट ओके डू न्यू स्टूडेंट्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू जॉइन इन सो सी एवरीबडी है वेरी डिफरेंट आई हैव वेरी पॉजिटिव आउटलुक ऑन जेवियर्स देर आर स्टूडेंट्स हू ऑल्सो कम्प्लेन अबाउट जेवियर्स काफी इंटरनल uh, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको कहूँगी कि इंटरनली जब फ्रेंड्स आ जाते हैं जैसे सीनियर है और वो जूनियर को जानते हैं कि भाई ये तो मेरी दोस्त है सो आई बिलीव दैट थिंग है लिटल बिट इट है

जब मैं खुद मीठी बाई में थी तब मुझे लगता था जेवियर्स चीटर्स हैं क्योंकि मिठी बाई कॉलेज खुद के कल्चरल फेस्टिवल में खुद पार्टिसिपेट नहीं करती है जेवियर्स इज टू पार्टिसिपेट एंड स्टिल देक एंड एवरीबडीज टू टेल मी कि ये जेवियर्स वाले चीटिंग करते हैं नॉट हर कॉलेज के लोगों को ऐसा लगता था बट वेन आई हर्ड देम मैं खुद मीठी बाई में थी एंड जैसे आका पहला था दे केम फर्स्ट जेवियर्स एंड आई वॉज लाइक डैम उसमें कोई कंपेरिजन ही नहीं है दे आर वेरी गुड सो देर इज सम काइंड ऑफ अ थिंग बट इफ यू आर टैलेंटेड Uh, especially in singing and all they do very fair auditions everybody gets a very good chance to be heard पर uh, ये जो uh, posts वाली बात होती है उसमें कभी कभी some people do feel की uh, partiality होती है post वाली यानी जैसे जैन fest होता है तो उसमें chairperson बनना है या volunteer बनना है या uh, कुछ फेवरेट चीजें होती है जैसे सिक्योरिटी है मल्हार में तो वो सबको बहुत पसंद है तो uh, बहुत लोग फील uh, करते हैं ऐसे जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली जिन्होंने इलेवेंथ ट्वेल्थ नहीं किया है एज से तो उनके कोई फ्रेंड्स नहीं होते तो दे डू फील आई एव हर्ड दैट दे डू फील दैट दे डोंट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज पोस्ट एज अ वॉलेंटियर और वट एवर बट यू टॉकिंग अबाउट टैलेंट आई बिलीव टैलेंट के लिए बहुत क्लियरली अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं द बेस्ट थिंग नो दर इज एन एक्स फैक्टर अच्छा काम किया अगर आपने पढ़ने में कुछ अच्छा किया तो टीचर ही आपको रेकमेंड कर देगी अब्रॉड यूनिवर्सिटी uh, के एक्सचेंज प्रोग्राम में अगर आप एक्स्ट्रा uh, ऑर्डिनरी आपने सोशल वर्क किया में, तो सीधा आपको सीधा अप्रिसिएशन मिलता है कॉलेज की तरफ से दे विल डायरेक्टली इंट्रोड्यूस यू टू द राइट काइंड ऑफ पीपल जो बाहर से गेस्ट आते हैं इफ यूर एन एक्सेलेंट सिंगर अगर कोई आ रहा है एंड उनको दे वॉन्ट टू रिप्रेजेंट इन अ वेरी बिग जैसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है दे विल इंट्रोड्यूस यू देर सो उस हिसाब से काफी फेयर अपॉर्चुनिटीज है सिर्फ ये पोस्ट वाली जो चीजें हैं सिक्योरिटी में मुझे वॉलेंटियर करना है या दिज काइंड ऑफ तो उसमें पीपल डू फील वेरी ऑनिस्टलीट नॉट एवरीथिंग इज ऑलवेज फेयर क्योंकि उसमें फाइनली uh, जो जज होते हैं जैसे मुझे खुद को जैनफेस्ट में आई वॉज नॉट सिलेक्टेड एज अ वॉलेंटियर फॉर Uh, I believe artist management, uh, and I thought I could do that very well because I'm an artist. I had a lot of qualities and the girl who got selected in my place, she was like, "You didn't get selected and I got selected. So I don't know how it works. works. honestly were wo post wali bahut zyada ki hai. I was never involved in those posts. Uh, but otherwise, there are small groups like Department of Interreligious Studies, social service League. Yesjape, they are a family, and they don't do politics. They don't want to pull your leg down is my take on it. but a lot of people, um, who want to complain. They also complain about it. Um, okay next live video I can do one in a few days. I believe if you have questions you can all write it down. If a lot of people want me to do another live. I will definitely do. Um, okay emoji king hello. Hello shares. Uh, negative things about Xaviers according to you. Or what you've heard. Okay. Uh, honestly my ek a... Uh, बात कहूंगी कि लॉर्ड ऑफ माय फ्रेंड्स जैसे मैं uh, मुझे जितना फैसिनेशन था जेवियर्स के लिए uh, हर लोग उतने पैशनेट नहीं होते उनके लिए कॉलेज यानी क्योंकि जेवियर्स में मिलिट्री uh, वालों को बेनिफिट्स मिलते हैं मिलिट्री पीपल दे गेट सम सो नॉट एवरीबडी कुछ लोगों के पेरेंट्स फोर्स करते इसलिए वो लोग जेवियर्स जैसे कॉलेज में आते हैं सो दे आर देम कूल अबाउट कि हाँ जेवियर्स तो क्या है सो दे सी अ लॉट ऑफ नेगेटिव फॉर देम अ लॉट ऑफ पीपल दे आर इन कॉलेज लॉट ऑफ नेगेटिव पर निकलने के बाद मैंने देखा है ज्यादातर जो लोग कॉलेज में कंप्लेन कर रहे थे कि आप बकवास कॉलेज कितना काम करवाते वो लोग ही वही कॉलेज की तारीफ करते हैं जब वो कोई किसी और जगह पे जॉब ढूंढने जाते हैं काम करने जाते हैं यस सो बट नेगेटिव अकॉर्डिंग टू मी इन जेवियर्स आर एक तो एकेडमिक प्रेशर काफी होता है आई फील कॉन्स्टेंटली अगर आपको ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक बार एडमिशन मिल गया तो हाश हो गया अभी ऐसा नहीं है कॉन्स्टेंटली अगर आपको इको या साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स करने हैं तो यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर दिस प्रेशर कि आई हैव टू स्कोर वेल इन एवरी सिंगल एग्जाम ये एक सेकेंडली um, दूसरी चीज ये है ऑब्वियसली कि um, इसका पूरा एक एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग होता है सो so, मुझे ये बात नहीं पता थी आई नेवर न्यू दैट वी हैव टू मेक फ्रेंड्स विद सीनियर्स तो ही हमें पता चलेगा तो मैं बहुत मेहनत करती थी फर्स्ट सेमेस्टर में तो भी मुझे आई बिलीव मेरा फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सी आई ए मतलब फर्स्ट इंटरनल एग्जाम का जीपीए था टू पॉइंट नाइन जो काफी कम होता है आउट ऑफ फोर एंड सेकेंड ईयर के एंड तक आई रीच टू थ्री पॉइंट एट बिकॉज मैं हार्डवर्क तो बहुत कर रही थी बट वहां पर सब टॉपर्स हैडी वॉज स्कोरिंग मोर देन मी सो देन आई आई सॉ अदर पीपल आई लर्न की ओ दे आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम सीनियर्स बिकॉज सीनियर्स ने कहा कि भाई एक ही बुक से मत पढ़ो ये बुक को भी रेफर करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैम ये बुक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती हैं सो आई हैड अ सीनियर शिविरा आई डोंट नो इफ शी इज हियर बट या सो शी हेल्प्ड मी अ लॉट शी टोल्ड मी शी आई रिमेंबर माई सेकेंड ईयर में आई सो शी गाइडेड मी सेग दैट यू नीड टू डू दिस यू यू इफ यू जस्ट स्टडी फ्रॉम वन प्लेस देन आपका कुछ नहीं होगा यू हैव टू मेक श्योर सो ये प्रकार की जो एक

मतलब अलॉट ऑफ टाइम्स पीपल फॉरगेट टू एंजॉय कॉलेज लाइफ क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए इट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल समटाइम्स इट बिकम्स टू मच टू हैंडल आप देख रहे होंगे कि मैं जब खुद जेवियर्स में थी तब इतने सारे विडियोज नहीं बना रही थी जितने मैं अभी बना रही हूँ क्योंकि इट केप्ट मी वेरी वेरी बिजी एंड इट वॉज सो मच टू डू सो दैट कैन स्पेशली अगर आप बाहर से आ रहे हो इफ यू आर नॉट फ्रॉम मुंबई देन यू फील होम सिक अलोंग विथ ऑल ऑफ दीज ऑफ स्टडीज एंड तो दैट बिकम्स अ लिटिल टैक्सिंग यू नो इट बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर पीपल स्पेशली हैव सीन गर्ल्स आई हैड अ गर्ल मेरी एक फ्रेंड थी मेरे घर आई थी रहने के लिए दो दिन के लिए बिकॉज शी जस्ट स्टूडेंट टेक इट इट वॉज वेरी वेरी प्रेशराइजिंग फॉर अवर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बहुत बार होता है uh, in fact कुछ स्टूडेंट्स बट द गुड थिंग इज अर यू हैव अ राइट टू स्पीकअप अप इफ यू डोंट लाइक समथिंग यू डोंट लाइक सम टीचिंग स्ट्रैटेजीज अब टीचर्स आर ओपन क्योंकि आप उनको आपको हर सेमेस्टर के एंड पे उनको रेट करना होता है एंड वो रेटिंग को बहुत सीरियसली लिया जाता है तो यू कैन रेट देम नाइसली यू कैन यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन योर रेटिंग बट द थिंग इज दैट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली स्पीक अप द अदर नेगेटिव अबाउट जेवियर्स वुड भी एक लोगों में आई फील थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है ऑटोमेटिकली इट्स लाइक सारेगामा गाव जब मैंने मेरे, मेरे भाई ने किया था uh, वो रियलिटी शो और मेरे डैड ने बचपन से बोला था कि वहां पे क्या होता है बच्चे जब जाते हैं तो दैट टाइम दे आर यू नो दे आर जस्ट एवरेज किड्स जो कॉम्पीट करने के लिए वो सपने देखते हैं कि कि किसी दिन मैं सारे गाँव में जाऊंगा ना अचानक जो बच्चे ऐसे घर में देर लिविंग एन एवरेज लाइफ और अचानक से उनके आसपास पास सब कैमराज लग जाते हैं और उनको पच्चीस हजार तीस हजार के ड्रेसेस पहनाते हैं और दे आर डूइंग ऑल ऑफ द मेकअप एंड ग्लैमरस स्नोबिश तो okay, so uh, स्नोबिश तो ना हो जाओ उसके लिए आपको यू नीड टू स्टे ऐसा वाला फीलिंग नहीं होना चाहिए और यहाँ पे बहुत है एक दूसरे के अंदर दोस्ती बहुत है लेकिन एक दूसरे के अंदर दोस्ती जब, जब बहुत हो जाती है तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोग काइंड ऑफ दुश्मन बन जाते हैं तो ये नहीं करना है पर ये कभी कभी नेगेटिव होता है ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन आर वेरी कॉमन यू कैन गेट इन टू बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आके बिगड़ जाते हैं बिगड़ जाते हैं सो कॉल माँ कला बिगड़ गया वो प्रकार का सो बिकॉज यू आर इन न्यू सिटी पेरेंट्स का कोई ये नहीं होता और यू विल ओनली फाइंड सीनियर्स मल्हार में लोग मुझे तो लगता है कि मल्हार ज्यादा बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो मल्हार खत्म होने के बाद पार्टी करने जाएंगे क्लब्स में जाएंगे या uh, और रेस्टोरेंट बार में जाएंगे अल्कोहल लेने के लिए सो दैट समटाइम्स वो एक्स्ट्रा हो जाता है इट गोज टू मच आउट ऑफ हैंड सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट रैप बैटल शायद ये साल होगा इन योर इट माइट हैपन दिस योर बिकॉज इट्स बिकमिंग रियली फेमस यू नो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट श्योर मेरे टाइम पे तो उतना फेमस नहीं था रैप बैटल क्योंकि उस टाइम पे गली बॉय नहीं आया था आई एम ट्रेनड कथक डांसर ओ दैट्स एक्सलेंट यू शूड डेफिनेटली मैंशन दैट अगर इफ यू फील लाइक योर यू नो यू गेट इन जनरल दैट्स फाइन बट यू शुड स्टिल मैंशन दैट सपोज इफ़ यू फील कि आप जनरल में थोड़े से रह गया सो यू कैन डेफिनेटली गो मेक द प्रिंसिपल एंड अप्लाई इन दोज इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटीज सेपरेटली अपलाई यू डेफिनेटली कैन स्टूडेंट uh, काउंसिल है जेवियर्स में डेफिनेटली है डोमिनिक वॉज आई थिंक इज फ्रेंड्स विथ मी ह्यर ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो अ लॉट ऑफ सच वर्क एंड अ लॉट ऑफ पीपल हाँ मतलब होता है स्टूडेंट काउंसिल है बट जैसे स्कूल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर उतना वो नहीं होता कि भाई हेड गर्ल इज ओनली द हेड इट्स अ पर्सन जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट uh, कर सकते हो फैकल्टी से आपको कोई प्रॉब्लम है इस प्रकार का सो इट्स इट्स देयर एंड इट्स अ गुड काइंड ऑफ अ सिस्टम काफ़ी अच्छे लोगों के को लेते हैं कनाल आस्किंग इज़ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी गुड यस आई बिलीव इट्स एक्सेलेंट काफ़ी अच्छा है uh, वाह मेरा खुद का ही एक कॉमेंट पोस्ट हुआ है आई हैव ग्रेजुएटेड इन टू थाउजेंड एटीन एंड दिस एयर आई एम ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एस एन डी टी सो या इट्स बिन टू इयर्स बी एम एम के सारे कॉलेज के फॉर्म रिजल्ट के बाद निकलेंगे या आई बिलीव सो भव्य गांधी या भव्य गांधी को मैं बोलूँगी डेफिनेटली वी वर थिंकिंग क्योंकि उससे भी बहुत सारा साइकोलॉजी एंड ही वॉज ऑल्सो अ क्लासमेट ऑफ माइंड नॉट अ क्लासमेट बट या उसकी उसके साथ फ्रेंडशिप वॉज वेरी डिफरेंट वी वर ही वॉज इन कॉमर्स आई वॉज इन आर्ट्स एंड वी वर ऑलवेज हमारा जो नेम के हिसाब से टेबल पर हम लोग साथ में बैठते थे एंड बहुत जल्दी एंड आई वॉज नोन फॉर भगवदगीता शोज एंड माई म्यूजिक इन मिठी बाय एंड सो ही वो ऑलवेज वॉज इंटरेस्टेड इन दैट सो उस हिसाब से हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी अच्छी uh, फ्रेंडशिप हो गई एंड इट्स स्टिल देयर सो इट वॉज इट वॉज अ गुड टाइम आई इज़ अ वेरी गुड पर्सन सो येस रितेश आई डू सिंग आई आई विल सिंग अ सॉन्ग फॉर यू गाइज डेफिनेटली बिफोर आई एंड दिस Macha <laughs> bridge by my um umvier is also my brother uh, he's in baroda uh the most smart chayana, tips <laughs> so um okay let's i think i will just i hope i've answered your question i thought I will end the video with a uh, song um but i have not connected the piano so I, I I'll just sing it without the piano um हिंदी सॉन्ग तू आता है सीने में जब जब सांसे भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूं हवा के जैसे चलता है तू मैं रेत जैसी उड़ती हूँ कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ ओ, 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 ओ। ओके इट्स माई प्लेजर वन्याम यस बी एम एम के लिए प्लीज़ वॉच माई वीडियो मैंने वो टॉपर के साथ बनाया था आई बिलीव देर इज़ नो पर्टिकुलर स्टडी मटीरियल जस्ट रीड योर बेसिक जी के जो भी है वो आप कर लेंगे दैट इज़ एंड टोनी के साथ वाला वीडियो और मैंने बी एम एम पर जो वीडियो बनाया है आई थिंक वो दोनों वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेलो ओके B.M.M. entrance uh, okay sabko, i hope you all are having a good ramzan i know it's difficult in covid but um, yeah it's just we'll have to learn to deal with a lot of um, changes now in life forever i believe at least at least till a certain point uh, okay thank you shriyanshi thanks thanks bavya बीएमएम के एंट्रेंस की कैसी तैयारी करें प्लीज बीएमएम के एंट्रेंस के लिए आप डेफिनेटली बीएमएम वाला वीडियो देखें टोनी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऑफ बी एम एम एंड निधि शी वॉज द वन हु हुज अ टॉपर ऑफ ट्वेंटी नाइनटीन बैच सो निधि का वीडियो निधि ने शी कु मेक अडियो हर सेल्फ क्योंकि शी इज वर्किंग शी वॉज ऑल्सो प्लेस्ड बट शी गेम बी समलेंट पॉइंट बी एम एम के लिए तो वो मैंने अपने वीडियो में कवर किए हैं आई थिंक दैट्स क्वाइट इनफ यस तुषार आई थिंक योर क्वेरी वॉज कैन यू जस्ट रिपीटेड अगेन ओके प्लीज रेफर सम स्टडी मटीरियल यस एग्जैक्टली मैंने बोला एंट्रेंस प्रैप के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए स्टडी मटीरियल कुछ है नहीं ऐसा बी एम एम बुक ये कोई बुक नहीं निकला है बट इन जनरल जीके करेंगे और क्रिएटिविटी राइटिंग प्रैक्टिस आर्टिकुलेट अच्छे से लिखना ये सब चीज़ें ज़रूरी है और सिर्फ जेवियस के बी के लिए नहीं इन जनरल किसी भी बी के लिए आ, शायद आप चाहें तो मैं आर्यन देसाई या उनके साथ वीडियो बनाऊंगी और दूसरे कॉलेजेस के लिए जैसे मिठे बाय यूपी इन प्रकार के कॉलेजेस में अगर बी करना है तो क्या प्रकार से उसका वॉट इज द होल प्रोसीजर एंड किस प्रकार का कोर्स होता है ये सब के ऊपर हम कर सकते हैं एंड मे बी वी कैन डू अनदर लाइव विथ अ स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी बी एस सी स्टूडेंट के साथ किया बी एम एम स्टूडेंट के साथ बी एम एस स्टूडेंट के साथ इन प्रकार का वी कैन वर्क ऑन सो येस बट डी एम में आई कान्ट आंसर एवरी क्वेश्चन सो दिस वॉज आई थॉट द बेस्ट ऑप्शन और आप सबको आपके क्वेश्चन का वन ऑन वन आंसर्स मिल जाए uh, cho Okay. Um I believe that's time. Uh, I'll end the session for today. Uh, if you haven't watched my song today on courage, do watch it and tell me if you like it or not. And watch my videos on um YouTube regarding Xavier's if you have any more questions and queries. Thank you. See you guys. Bye.